हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राधिका वैद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद राधिका वैद। तो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे। आज मैं फिर से मीशो होम डेकोर हॉल लेकर आ गई हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ एक मीशो होम डेकोर हॉल शेयर किया था जिसको आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। आपको उसमें वीडियो में दिखाए हुए जितने भी प्रोडक्ट थे काफी ज्यादा पसंद आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज मैं जितने भी प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ होम के लिए होंगे, कुछ किचन के लिए होंगे और नॉर्मली छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं वो सभी ही आपके साथ शेयर करूँगी। और सभी ही ये आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हॉल मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मैंने इस हॉल के अंदर नहीं बाय करी है। तो अगर आज की हॉल की वीडियो में आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता हो तो आप उनको इजिली बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन सभी प्रोडक्ट के लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर देखकर अपनी इजिली शॉपिंग कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में जो मैंने जितने भी प्रोडक्ट आपके साथ शेयर किए थे होम डेकोर के, उस वीडियो का भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो अगर आपको वो प्रोडक्ट भी पसंद आते हो तो आप उनको भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए आइए हॉल को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट शेयर करने से पहले मैं आपके साथ हैंगिंग लैम्प की एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक 3 ट्राइंगल शेप का जो हैंगिंग लैम्प शेयर किया था उसकी वीडियो आप देख सकते हैं कि लगने के बाद ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और अगर आपको भी ये लैम्प पसंद आता हो तो आप भी इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से मुझे ये बॉक्स में रिसीव हुए हैं। साइड में आप इमेज देख सकते हैं कि इस तरीके से मुझे ये एक हेक्सागोन शेप के ग्लास जार मैंने बाय किए हैं। ये देखिए इस तरीके से ये आपको बॉक्स के अंदर सिर्फ जार मिल जाते हैं। अच्छे से बिल्कुल बबल पैक में रैप किया गया था क्योंकि ग्लास जार है तो कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए मीशो ने काफ़ी अच्छे से पैक करके दिया है। ये देखिए आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, क्लोजअप से काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। हेक्सागोन शेप के अंदर आपको ये ग्लास जार मिल जाते हैं और इसकी लेंथ आप ये देखिए मेरे हैंड से इतनी आ रही है, तो मतलब बहुत बड़े जार नहीं है, नॉर्मल मीडियम साइज के अंदर ही आपको जार दिए गए हैं, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और इनकी क्वालिटी भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई है। जो इसका ये ग्लास दिया गया है ये देखिए काफ़ी मोटा दिया गया है, मतलब पतले में नहीं है, आप इनको बाय कर सकते हैं। और ये इस तरीके से आपको गोल्डन कलर में इसका ढक्कन मिल जाता है। ये देखिए इसका जो ढक्कन है बिल्कुल अच्छे से ही क्लोज हो गया है, बिल्कुल टाइट क्लोज हो गया है, तो आप अपनी किचन के लिए इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो अपनी डाइनिंग टेबल पे आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट रख सकते हैं या किचन के अंदर आप अपने इसके अंदर मसाले रख सकते हैं, जैसे हमारे मसाले होते हैं नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर गरम मसाला, तो इस तरीके से आपको ये 6 जार मिल जाएंगे और 6 के अंदर आप अपने इजीली मसाले सारे ही रख सकते हैं। तो मैंने तो अपनी किचन के लिए इनको बाय किया है। तो अगर आपको ये ग्लास जार पसंद आते हो तो आप भी इनको जरूर बाय कीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने एक ये देखिए शेल्फ लैम्प को बाय किया है, ये आप देख सकते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मीशो पे आपको इसके अंदर काफ़ी सारी वेराइटियाँ मिल जाएंगी। तो मैंने इसको पहले ही असेंबल कर लिया है तो मैं आपको आपके साथ उसको शेयर करती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको ये लैम्प मिल जाता है, ऊपर की साइड में आपको क्रीम कलर मिल जाएगा और इसके अंदर आपको और काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे, ब्लू मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, तो आपको जो पसंद हो आप उस कलर को बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में आपको ये 3 शेल्फ मिल जाती है और इस शेल्फ का मुझे जो कलर मैंने बाय किया है वो ब्राउन कलर है। आप लाइट क्रीम भी बाय कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। और इस लैम्प के अंदर आपको 3 शेल्फ मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोई भी डेकोरेटिव आइटम सजा सकते हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसके अंदर जो आर्टिफिशियल प्लांट होते हैं उसको भी डेकोरेट कर सकते हैं, उसको भी लगा सकते हैं, कोई फोटो फ्रेम लगा सकते हैं या कोई भी जो डेकोरेटिव आइटम हो उसको लगा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसके अंदर मुझे बल्ब रिसीव नहीं हुआ था, उसको मैंने अलग से बाय किया है। तो मुझे तो पर्सनली ये लैम्प बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर आपको ये लैम्प पसंद आता हो तो आप भी इनको बाय कर सकते हैं क्योंकि दिवाली पे इस तरीके की जो लाइटिंग वाले आइटम्स जो लाइटिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं वो घर में अगर हम उनको डेकोरेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इसको आप घर के किसी भी कॉर्नर में सजा सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट भी पसंद आता हो तो आप इसको भी जरूर बाय कीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया है ये आप देख सकते हैं, साइड में मैं आपके पिक्चर लगा दूँ, तो ये भी एक डेकोरेटिव प्रोडक्ट है। तो देखिए इस तरीके से ये आपको पैक करके दिया गया है, सभी ये प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छे से पैकिंग की गई है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ,
तो ये देखिए इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है और ये जो है आपको इसके अंदर गोल्डन कलर मिल जाएगा और ये मेटल का बना हुआ है तो काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी दी गई है। सीरियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जब इमेज में मैंने इसको देखा था, तो इमेज में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा जब रिसीव होगा तो पता नहीं कैसा रिसीव होगा, लेकिन जब ये रिसीव होके आया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। पहले मैं आपको इसका ग्लास दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये जो इसका ग्लास दिया गया है ये थर्माकोल में काफ़ी अच्छे से पैक होके आया था। ये देखिए इस तरीके से आपको ये इसका एक ग्लास मिल जाता है और यहाँ पे आप इसको ईजली रख सकते हैं। ये देखिए जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अंदर अगर आप चाहते हैं तो आर्टिफिशियल फ्लावर लगा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल के और जो मनी प्लांट का जो मनी प्लांट जो होता है वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं और अपनी डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं या कहीं पे भी आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर में इसको डेकोरेटिव कर सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए बाकी साइड में मैं आपको इसको अपने शेल्फ के अंदर रख के दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये अच्छा लग रहा है। देखिए इस तरीके से आपको ये मिल जाता है और ऊपर की साइड में आपको एक ये बर्ड बना के दी गई है और ये भी मेटल की बना के दी गई है। बर्ड की जो क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक ही है, लेकिन जो ये नीचे का जो डिज़ाइन दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है। ये देखिए क्लोजअप से आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिस प्राइस के अंदर मुझे ये रिसीव हुआ है तो उस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद हो तो आप इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। ये देखिए नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया है इस तरीके से ये भी मुझे बॉक्स में ही रिसीव हुआ है और ये भी आपको एक डेकोरेटिव प्रोडक्ट मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं इनको मैंने अपने जो शेल्फ लैम्प आपके साथ शेयर किया है उसमें सजाने के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट बाय किए हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे गौतम बुद्ध मिल जाते हैं। इसकी आप क्वालिटी देखिए, क्लोजअप से क्वालिटी देखिए कि कितनी ज़्यादा अच्छी दी गई है। वाइट कलर में आपको ये मिल जाता है और यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर मिल जाता है और इस ब्लू के अंदर आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे। येलो भी था, ऑरेंज भी था, शायद रेड भी था। तो अगर आपको कोई और कलर पसंद आता हो तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, पीछे से बैक साइड से भी आप देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं। जिस प्राइस के अंदर मुझे ये सारे प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं ये सारे ही प्रोडक्ट। सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं है, तो वो भी मैं आपके साथ अभी आगे शेयर करूँगी। ये देख सकते हैं आप। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट भी पसंद आता हो तो आप इसको भी ज़रूर बाय कीजिएगा। ये नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये मुझे अभी रिसीव हुआ है तो इसकी अनबॉक्सिंग भी मैं अभी ही आपके साथ ही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो साइड में मैं आपकी इमेज लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मैंने बाय किया है। तो ये देखिए इस तरीके से मुझे बॉक्स में रिसीव हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी दिन से मैं इसका वेट कर रही थी तो ये आज मुझे रिसीव हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से मुझे इसके सारे प्रोडक्ट रिसीव हो गए हैं। तो इसको साइड में मैं असेंबल करके आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके से ये असेंबल होने के बाद लग रहा है। तो पहले मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको ये 5 कलर्स के अंदर मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसका स्पेस आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी इसकी ये ड्रॉअर दी गई है। मेरे को लगा था छोटे साइज के अंदर ये ड्रॉअर आएगी, लेकिन काफ़ी अच्छे से बड़ी साइज के अंदर ये ड्रॉअर मुझे रिसीव हुई है और ये इतनी ज़्यादा टाइट हो रही है कि बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, वरना मैं आपको सिंगल करके भी दिखाती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से आपको उसके अंदर 5 कलर शेड मिल जाते हैं। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई है, सीरियसली ये आप देख सकते हैं। और इसकी जो रेटिंग स्टार आपको इसके अंदर मिल जाता है मीशो पे, 4.5 आपको इसके अंदर रेटिंग स्टार मिल जाते हैं, तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बाकी आपको ये तरीके से इसकी ड्रॉअर मिल जाएगी। देखिए ड्रॉअर का साइज आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। क्रीम के व्हाइट शेड के अंदर आपको ये मिल जाती है। तो अगर आप भी इस तरीके से कोई स्टोरेज बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और बाकी आप इसके अंदर आपको ये इस तरीके से स्टैंड दिए गए हैं तो अच्छे से पैकिंग होकर आई है। बाकी इसको असेंबल करके देखेंगे कि किस तरीके से ये रेडी होती है। और इसको बाय करने से पहले मैंने मीशो पे और भी काफ़ी सारे स्टोरेज देखे थे तो वो 400 to 500 के बीच में ही थे, लेकिन उसका जो शिपिंग चार्जेस लग रहा था वो 400 ही लग रहा था। तो अगर आप भी अगर ये बाय करते हैं तो प्लीज़ चेक करके बाय कीजिएगा, कहीं आपको इसके अंदर भी एडिशनल फीस ना लग जाए, शिपिंग चार्जेस ना लग जाए। तो मैंने जो ये प्रोडक्ट बाय किया है इसके अंदर मुझे कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं लगा है इसके, और ये मुझे
और ये मुझे 581 के अंदर ये मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। तो जो लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कोड भी शेयर कर दूंगी, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो चलो जी नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो इस तरीके से मुझे एक पैकेट के अंदर 3 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं, जिसकी अनबॉक्सिंग भी मैं आपके सामने ही शेयर करूंगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी ही रिसीव हुए हैं। तो आज काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं शेयर करने के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, तो इसलिए जो आज की वीडियो है ये पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ और ये पार्ट 2 होगा। तो जो मेरे प्रोडक्ट अभी भी और बचे हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, तो वो पार्ट 3 के अंदर मैं आपके साथ शेयर, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो उसका बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए, और जो मैं प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूंगी वो आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप उसको बाय कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने एक ये अपनी किचन के लिए डस्टबिन मंगाया है और इसको मैंने अमेजोन से बाय किया है, तो इसका लिंक भी मैं आपको साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये अपनी किचन के लिए एक डस्टबिन को बाय किया है और इसको मैंने अमेजोन से बाय किया है। सबसे पहले आप इसकी क्वालिटी देखिए, ये देखिए क्लोजअप से आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कि इसकी जो प्लास्टिक दी गई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है, और ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के अंदर आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि किचन के लिए तो छोटा नॉर्मल मीडियम साइज़ के अंदर भी जो डस्टबिन होता है वो चल जाता है। तो इसके अंदर आपको ये ब्राउन एंड क्रीम शेड के अंदर ये मिल जाता है, और ये देखिए अंदर से आपको इसके अंदर इतना स्पेस मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप अंदर से आपको इस डस्टबिन के अंदर इतना स्पेस मिल जाएगा। बाकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है, आप इसको सीरियसली बाय कर सकते हैं। पूरे ही डस्टबिन पे आपको सेम इसी तरीके का डिज़ाइन मिल जाएगा, और ये देखिए ऊपर की कैप आपको इसकी इस तरीके से मिल जाएगी। ये देखिए पहले आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है, और यहाँ पर भी आपको सेम इसी तरीके का डिज़ाइन मिल जाएगा जैसे नीचे की साइड में दिया गया है, और इसकी क्वालिटी भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, और इसके अंदर शायद एक कलर और भी दिया गया था। तो अगर आप भी अपने घर के लिए कोई एक डस्टबिन बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। देखिए नेक्स्ट मैंने एक स्टील की स्पून को बाय किया है, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम। ये आपको 12 के सेट के अंदर मिल जाती है, तो इसका मीशो इसका अमेजोन पे मैंने रिव्यू देखे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए गए थे, काफ़ी लोगों ने इनको बाय किया हुआ था, तो मुझे भी इसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको ये एक स्टील की स्पून मिल जाती है, क्लोजअप से आप देखिए इस तरीके से आपको इसका डिज़ाइन मिल जाएगा, और इस स्पून के अंदर आपको और काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं, अगर आपको कोई और डिज़ाइन पसंद आता हो तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं। ये देखिए और क्वालिटी भी अच्छी दी गई है, बिल्कुल लाइट वेट के अंदर आपको ये जो स्पून है बिल्कुल भी नहीं दी गई है, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप भी एक अपने घर के लिए स्टील की स्पून बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है ये देखिए, वो भी मुझे इस तरीके से बॉक्स में ही रिसीव हुआ है। पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से आपको एक मल्टीपर्पज़ ही बॉक्स मिल जाता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो रिसीव हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी के अंदर मुझे रिसीव हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप भी इसको बाय ना करें। ये देखिए इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब दी गई है, बहुत ही हल्की क्वालिटी के अंदर दिया गया है, और जो ये ड्रॉअर है ये आपकी बार बार निकल रही है, मुझसे तो ये सेट ही नहीं हो रही है, इतनी मुश्किल से तो इसको सेट करना पड़ रहा है। ये देखिए इस तरीके से आपको ये इसकी ड्रॉअर मिल जाती है, और बाकी यहाँ पर आपको जो इसके अंदर ये बॉक्सेस दिए गए हैं काफ़ी ही ज़्यादा छोटे छोटे दिए गए हैं, तो मैंने इसको बाय किया था कि अपना जो मेकअप का थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह होगी वो मैं इसके अंदर अपना रख लूँगी, और जो ये एक बॉक्स है वो मैं अपने बेटे जिहान को दे दूँगी, वो अपनी पेंसिल इरेजर वगैरह रख लेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, तो मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। तो अगर आप भी इसको बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप इसको बाय मत कीजिएगा, मीशो पर आपको और भी इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको एक ये डिस्पेंसर मिल जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, ये अपने किचन के लिए मैंने इसको बाय किया है। इस तरीके से आप इसके अंदर अपना लिक्विड सोप इसके अंदर डाल सकते हैं, उसके बाद आपको इस तरीके से इसको सेट करना है, काफ़ी ईजी है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से पंप दिया गया है ताकि जब आप इसके अंदर अपना लिक्विड सोप डालते हैं और इसके अंदर जब आप इसको पुश करेंगे, ये देखिए इस तरीके से आपका ये पुश हो रहा है, ये आप देख सकते हैं।
तो जो ये हमारा जो जूना दिया गया है, इस तरीके से जब आप इसको पंप करेंगे तो इजिली जो वो सारा जो सोप होगा यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में आ जाएगा, तो आप इसको इजिली ले सकते हैं और अपने जो बर्तन है उसको वॉश कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये प्रोडक्ट भी, मैंने सोचा क्यों ना इसको बाय करके देखा जाए और आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। तो कैसे लगा आपको ये आज का हॉल वीडियो? आज के हॉल वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी प्रोडक्ट शेयर किए हैं वो सभी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। आपको भी इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आते हैं तो आप भी इनको बाय कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट आपको पसंद हो और वो उस प्रोडक्ट को मैं शेयर करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रोडक्ट का कोड मेरे साथ शेयर कर सकते हैं या उस प्रोडक्ट का लिंक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं अपने चैनल पर उस प्रोडक्ट को आपके लिए शेयर ज़रूर करूँगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसका पार्ट 3 भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।